यूपी के औरैया जनपद में सदर कोतवाली क्षेत्र के शहीद पार्क में आज गांधी जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। गांधी जयंती के अवसर पर गांधीगिरी दिखाते हुए गांधी प्रतिमा के समीप मौन प्रदर्शन किया। वर्तमान समय में सरकार की नीतियों के खिलाफ व सूबे में बेटियों के साथ हो रहे बलात्कार व हत्या के मामले में बेरोजगारी इत्यादि समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। लगभग 50 कार्यकर्ताओं के साथ सपा जिलाध्यक्ष व पूर्व विधायक सांसद जिले के सपा पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। हाथरस घटना को लेकर पूर्व विधायक ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोलते हुए कहा कि हाथरस की घटना से सारे देश में वाल है, लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सारी घटना और पीड़ित बेटी की रात में चिता जलते हुए लाइव वीडियो देखते रहे, बल्कि उन्होंने इस मामले में कोई सख्त कार्रवाई नहीं की, जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। इस मौन प्रदर्शन के बाद अगर सरकार नहीं जागी तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लाठी खाने को भी तैयार हैं। सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष के दिशा निर्देश की देरी है। वर्तमान समय में जहां पर लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं उनको लाठियां मिल रही, ऐसे में आपका ये मौन उपवास क्या सरकार के कान में कुछ जूझ हुआ पाएगा? ये देश हमेशा से प्रजातंत्र रहा है और इस देश की लड़ाई में दोनों तरीके से, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो चाहे गांधी जी हो, लेकिन दोनों लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा इस देश को आज़ाद कराने में। लेकिन आज देश पुनः गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जा रहा है। हमारी बेटियां, हमारी बहनें, उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं, उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं, बलात्कार होने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे समय पर जब पूरा देश चिल्ला रहा है, उस समय ये प्रशासन पुलिस की दम पे उसको कुचलने का काम कर रहा है और उसी विरोध में, चाहे वो किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे छात्र हो, चाहे सारे वर्ग के लोग बहुत परेशान हैं। सुबह बेटी घर से निकलती है तो माँ बाप को ये निश्चिंत नहीं रहते हैं कि शाम को बेटी हमारी सुरक्षित घर वापस आएगी। इन परिस्थितियों में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अखिलेश जी ने आह्वान किया है कि हम गांधी जी की प्रतिमा के नीचे मौन व्रत धारण करके प्रदेश और देश की दोनों सरकारों को ये आगाह करना चाहते हैं कि अभी तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता गांधीवादी तरीके से अहिंसात्मक रूप से आपके कानों तक ये आवाज़ पहुंचा रहा है। अगर आपने इस पे जल्द कार्रवाई न की, पुलिस का दमनात्मक रवैया नहीं ठीक किया गया, इसी तरह लोगों की आवाज़ दबाते रहे, तो पूरे देश की जनता और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश की जनता सड़कों पर निकल के लाठियां खाने के लिए तैयार है, पूरा कार्यकर्ता तैयार है।